अस्सलाम वालेकुम, उर्दू न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं अली सरवर और मैं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजो में ऑपरेशन करके 4 दहशतगर्दों को हलाक, एक को गिरफ्तार कर लिया। पाक फौज के शोबा तालुकात यामा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ किला के 4 मग में 12 और 13 अगस्त के दरमियान दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम की तकरूरी की समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 14 अगस्त को हल्फ लेने का फैसला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ओहदे का हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं रेवेन्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का लदम होने का नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाहली खत्म हो चुके, वापस आने में कोई रुकावट नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है हमें इल्म नहीं था कि निगरान वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा। पीपल्स पार्टी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, मोहम्मद मालिक, खैबर पख्तूनख्वा से अफजल खान का नाम दिया था। जहां से भी नाम आया है हमें उम्मीद है अच्छी की रखनी चाहिए। पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का सिंध हुकूमत पर पैसे लेकर भर्तियां करने का इल्जाम। कहा चंद रोज हुकूमत के रह गए लेकिन 50,000 नौकरियां देने जा रहे थे, बगैर मेरिट के भर्तियां हो रही थी जिसे MQM ने रुकवा दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है सोलामा पाकिस्तान की सियासी जिंदगी का सियाह तरीन वक्त था। कल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया, नवाज शरीफ के आने की ख्वाहिशों पर पानी फिर गया है। 90 दिन में इलेक्शन करवाने होंगे और जो सलूक उन्होंने अवाम से रवा रखा उसका इंतकाम लेने का वक्त आ गया। कराची की तामीर और तरक्की के साथ खेलों को भी फरोग दिया जाएगा। कराची ने बाग इब्न कासिम में तामीर नौशुदा साइकिल और जॉगिंग ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत सिंध नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर रही है। साइकिल और जॉगिंग ट्रैक से सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। 2 दिन खवातीन के लिए मख्तस किए जाएंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए मगर इसकी सजा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। सियासी एहतजाज सियासी मुकदमात पर हो तो हो सकता है, कैंट के इलाकों में नहीं। इस्तेगामे पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरोज आशिकवान बुशरा बीवी की डायरी को बनीगाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स करार दे दिया। कहा बुशरा बीवी की हिदायत पर बनीगाला के साथ पूरे मुल्क को चलाया गया। डायरी वाली सरकार ने PTI सरकार का खूब तख्ता उल्टाया है। PTI ने बुशरा बीवी से मंसूब डायरी और उसके मतन की तरदीद कर दी। कहा मुबैना डायरी और उसके मतन का बुशरा बीवी से कोई ताल्लुक नहीं। ये ड्रामा पाकिस्तान के असल मसाइल खुसूसन हुकूमती फसाद, जुल्म जबर और आयन और कानून की पामाली से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश है। जीवे जीवे पाकिस्तान, जश्न आजादी में बस एक रोज का इंतजार। यौम आजादी का जश्न सियाया निशान तरीके से मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। सड़कों और बाजारों में कौमी जुमों की बहार, बच्चा पार्टी वालदेन के हमरा आजादी का जश्न मनाने के लिए मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। और टिकटॉकर हरीम शाह ने पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सोशल मीडिया ऐप पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए हरीम शाह ने एक कैप्शन भी तहरीर किया। हेडलाइंस आपने जाना, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज लेकिन एक ब्रेक के बाद।